आदमजाद, तू ही शहजादा जलाल तालिब है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, मैं ही तालिब हूं, मगर मेरा कसूर क्या है? मेरी मलिका हमीरा का हुक्म है, क्योंकि तूने मेरे बड़े भाई चीमा देव का सर काट डाला था। मैं उसका छोटा भाई लीमा देव हूं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं बरसों से इसी कुएं में रहता हूं और इस बस्ती के सारे इंसानों को मैं खा गया हूँ, यहाँ तक के कुत्ते बिल्ली और दूसरे जानवरों को भी मैं खा गया हूँ। अब इस बस्ती में कुछ नहीं बचा, हाँ कुछ नहीं बचा, और जो मुझसे बच गए हैं वो यहाँ से भाग गए हैं। देख लीमा देव, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, तू भी मुझसे मत लड़। मुझे और मेरे दोस्त हम सफर को पानी पीने दे और यहाँ से जाने दे। कैसे जाने दूं, कैसे जाने दूं? मैं कई महीनों से भूखा भी हूं, मैं तुझे खाऊंगा और तेरी हड्डियों को मलिका हमीरा के पास लेकर जाऊंगा, और जब जब चीमा देव का सर उसके जिस्म से जुड़ जाएगा तो तेरी हड्डियों से, हाँ तेरी हड्डियों से चीमा देव के सर का ताज बनाया जाएगा। देख इबलीस की औलाद, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तेरी हड्डियों से ताज बनाकर जालिम हमीरा के सिर पे रख दूंगा। हट जा मेरे रास्ते से, मेरा वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि मुझे ज्वालामुखी पहाड़ के जिन से पहला मोती हासिल करना है। ज्वालामुखी जिन के पास जाएगा तू? ज्वालामुखी जिन के पास जाएगा तू? मरने के बाद तेरी रूह वहां जरूर पहुंच जाएगी, वो यहां से हजारों मील दूर है, तू रास्ते में ही मर जाएगा। हाँ, इससे अच्छा है कि मैं तुझे खा लूं, मेरा पेट भी भर जाएगा और तू भी हजारों मील की मुसीबत से बच जाएगा। मेरी बात मान ले, मलिका हमीरा को ये तलवार सुलेमानी और ये तावीज रहमानी दे दे, और तू आ आ चुपचाप मेरे मुंह का निवाला बन जा। नहीं, नहीं हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे दोस्त, तू नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा इस जालिम देव से, तू ये रुकना। हाँ चाप होकर इंसान से दोस्ती और लीमा देव से दुश्मनी कर रहा है तू, मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लीमा देव, ऐ आदमजाद, मैं तुझसे ये तलवार और तावीज छीन लूंगा। ऐ मेरी मुहाफिज तलवार सुलेमानी, खुदा के फजल से अपना जलवा दिखा और जालिम हमीरा के इस आदमखोर देव के दो टुकड़े कर दे।
महादेव तेरे दो टुकड़े कर दिए। बता कौन है वो? क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर जादूगर है? नहीं, वो जादूगर नहीं, तेरा बागी नाफरमान महबूब तालिब है। तालिब? शहजादा तालिब? अब उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो अपने आगे बढ़ने की खबरें मुझे इस तरह भेज रहा है कि चीमा देव का सर काट डाला और लीमा देव के दो टुकड़े कर दिए। वो तो मेरी हड्डियों का ताज बनाकर तेरे सर के लिए भेजने वाला था मलिका हमीरा। लानत है तुझ पर कि तू उसे शिकार नहीं कर सका। तेरी उस पहाड़ जैसी काली ताकत का क्या हुआ जो हर चीज को पीस कर सुरमा बना दिया करती थी? तेरी वो खूंखार भूख किधर गई जो मर्दों, औरतों और बच्चों को चबा जाया करती थी? तेरे वो खूनी पंजे और नुकीले दांत किधर गए जो शेर, भेड़ियों और तरिंदों को पकड़ पकड़ कर चबा जाया करते थे? मेरी वो सब नापाक काली ताकतें उसे एक अल्लाह के बंदे की पाक और सच्ची ताकत के सामने बेकार हो गईं। इसीलिए मैं तलवार सुलेमानी और तावीज रहमानी छीनने में कामयाब नहीं हो सका मलिका हमीरा। इस नाकाम देव को फिर जिंदा होकर कामयाब होने के लिए चांदनी रात तक तिलस्मी तालाब में डुबो दो। जी मलिका। गुस्ताखी माफ हो मलिका, यह गुलाम यह पूछना चाहता है कि हमीरा जैसी तिलस्मी कायनात की ताकतवर हुक्मरान और मलकाए जादूगरनी को तावीज रहमानी और तलवार सुलेमानी की आखिर क्यों जरूरत है? इसलिए कि उस तावीज की वजह से शहजादा तालिब मुझे जादुई गोले में नजर नहीं आता और मुझे ये पता ही नहीं चलता कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। और तलवार सुलेमानी, उससे मैं नहीं डरती, मगर अक्लमंदी इसी में है कि दुश्मन से हथियार छीन लेना चाहिए। और अगर तलवार सुलेमानी उसके पास होगी तभी वो तीन मोती तो क्या एक मोती भी हासिल नहीं कर सकेगा और तैयबा मर जाएगी। तैयबा नहीं मरेगी और तालिब वो मोती हासिल कर लेगा। कैसे कर लेगा? मैं दुआ करूंगा। तेरी दुआ से क्या होता है? तू तो खुद कैद में है। मैं कैद में हूँ, मेरी दुआ कैद में नहीं है। मगर तेरी हैसियत ही क्या है? तू तो एक छोटा सा परिंदा है, मामूली। मैं छोटा हूँ लेकिन मेरी दुआ मुझसे बड़ी है। जब खुदा एक छोटी सी चींटी की दुआ सुन लेता है तो फिर मुझ तोते की दुआ क्यों नहीं सुनेगा? ओ, मेरी सुन मलिका हमीरा। हाँ तू सुना, किस्मत के सितारों का हाल जानने वाले मेरे नुजूमी, तू सुना सितारे क्या कहते हैं? इल्म नुजूम के हिसाब से तालिब की किस्मत के सितारे बहुत बुलंद और तुझसे ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर है तो क्या हुआ, उसकी किस्मत के सितारे मेरे सितारों से टकरा कर टूट कर गिर जाएंगे। तू ना घबरा मेरे नुजूमी शब्बेदार, ना घबरा। मेरी बात मान ले मलिका हमीरा, तालिब के बढ़ते हुए कदम रोक दे। उसके बढ़ते हुए कदम तो खुद रुक जाएंगे क्योंकि आगे जाने के लिए जादुई गुफा का दरवाजा उसको दिखाई ही नहीं देगा। पेड़ पत्तों और जिंदा मुर्दा लाशों के जंगल की शहजादी अजाज सलातिया की सरहद की पहरेदार आंखें वहां पहरा दे रही हैं। उन पहरेदार आंखों से बचकर तालिब आगे जा ही नहीं सकता। मुसाफिर हमारी सरहद की तरफ आ रहा है, ये जरूर कोई खतरनाक आदमजाद अल्लाह का बंदा लगता है। जहां
अल्लाह के फजल से मुझे रास्ता बता। मैं मुर्दा जिंदा लाशों के जंगल से गुजर कर पहला मोती हासिल करने के लिए आगे जाना चाहता हूं। ए मोती के तालिब मुसाफिर, जहां तू खड़ा है वहां एक गार है, उसका दरवाजा तलवारे सुलेमानी से ढूंढकर आगे बढ़ जा। शहजादा तालिब दाखिल हो चुका है। अब मलिका हमीरा का दुश्मन लाशों के जंगल से गुजरेगा। शाबाश, शाबाश सरहद के निगेबान, शाबाश। तुमने मुझे जो खुशखबरी सुनाई है, अब ये खुशखबरी मैं मलिका हमीरा को सुनाऊंगी। सलातिया, बहुत खुश दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है मलिका हमीरा, बहुत बड़ी खुशखबरी। तुझे मुबारक हो, तेरा महबूब, तेरा इंतकाम मेरी सरहद में दाखिल हो चुका है। तेरी जबान मुबारक हो मुझे अर्जार सलातिया, मैं इसी खबर के इंतजार में थी। तालिब वैसे तो किसी भी तरह कब्जे में नहीं आएगा। तू किसी भी तरह तालिब का तावीज रहमानी किसी को मछली बनाकर छीन ले और उसकी तलवारे सुलेमानी भी छीन ले, उससे बेबस कर दे उसे, उसको जिंदा पकड़कर उसके जिस्म से खून की एक एक बूंद निचोड़ ले। उसने मुझे ठुकराया है, तू उसे मौत के इतने पास ले जा कि वो जिंदगी से तंग आकर खुद जिंदगी को ठुकरा दे। बिल्कुल ऐसा ही होगा मलिका हमीरा, ऐसा ही होगा। जा जल्दी अपने वफादारों के साथ जा, तू अपनी वफादारी, नमक हलाली और गुलामी का सबूत दे। तालिब को किसी भी तरह गार से बाहर न निकलने दे। तावीज़े रहमानी, तेरी रोशनी की जरूरत है मुझे। हाँ,
मौत को सामने देखकर घोड़ा और इंसान इसी तरह चौंकते हैं। अपने आप को मौत समझ रही है? क्या है तू? कौन है तू, बदतमीज घुस्ताख? मैं तिलिस्मी कायनात की हुक्मरान मलिका हमीरा जादूगरनी की वफादार खनीज, गुलाम, जिंदा मुर्दा लाशों के जंगल की शहजादी अशजार सलातिया हूँ। अशजार सलातिया, समझे? मुझसे क्या चाहती है तू? जो तू नहीं चाहता, बस बस मुझे अपने हाथों से अपनी तलवारें सुलेमानी और तावीज़े रहमानी दे दे, बस दे दे मुझे अपने हाथ से तलवारें सुलेमानी और तावीज़े रहमानी। तू क्या समझती है, तू तलवारें सुलेमानी और तावीज़े रहमानी मांगेगी और मैं अपने हाथ से तुझे दे दूंगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। ना ही मैं तुझे तलवारें सुलेमानी दूंगा और ना ही तावीज़े रहमानी। अगर तू अपने हाथों से ये तलवारें सुलेमानी और तावीज़े रहमानी मुझे नहीं देगा तो मैं अपने हाथों से तलवार तुझसे छीन लूंगी। ना ही तू इसे छीन सकती है और ना ही तू इसे हाथ लगा सकती है। बहुत ही नासमझ बेवकूफ है तू। ए आदमजाद, अपनी जबान संभाल। ए मौत की मंजिल के मुसाफिर तालिब, अगर तू आसानी से मरना चाहता है तो आखिरी बात तुझसे कहती हूँ, अपना ये तावीज़े रहमानी और तलवारें सुलेमानी मुझे अपने हाथों से दे दे, वरना तू जिंदा मुर्दा लाशों के जंगल में तड़प तड़प कर बड़ी मुश्किल मौत मरेगा। मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने हाथ से तुझे तलवारें सुलेमानी और तावीज़े रहमानी कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर देख मेरा असली रंग और मलिका हमीरा की ताकत। सफर मेरे दोस्त, तू जा, भाग जा, चला जा। हम सफर, हम सफर, तू मेरे साथ अपनी जान क्यों गंवाता है? तू भाग जा, चला जा। हम सफर, चला जा। हम सफर, तू मेरे साथ न मर, समझ ले हमारा साथ यही तक का था, यही तक का हमारा साथ था। तू जा, चला जा। हम सफर, चला जा, चला जा। हम सफर, तू जा, तुझे अल्लाह की कसम है हम सफर, तू जा। ये क्या हम सफर, अल्लाह की कसम न मानने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। तू जा, चला जा। हम सफर, जा, चला जा। हम सफर, चला जा।
में से ऐसे कोई भी उसके गले की तावीज को उसे नहीं छीन सकता। माही, तुम मछली बनकर जा और उसके गले की तावीज को निगल जा। जो हुक्म शहजादी। जा। Ha 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 ha